press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ मेरी स्पेशल रेसिपी मटन बिरयानी शेयर करूंगी। अब मटन का मैरिनेशन स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक हाफ के जी मटन ले लेंगे, 3 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon शाह जीरा जिसे काला जीरा भी कहते हैं, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये हमने 600 ग्राम प्याज लेके इसका बिरिस्ता बना दिए हैं, और बिरिस्ता बनाने के लिए हमने घी और तेल दोनों का यूज किए थे, तो ये पूरा हम नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सी एक प्याज जितना बिरिस्ता बाकी रखेंगे लास्ट में गार्निशिंग के लिए। ग्राम दही ले लेंगे। अब हम इसमें शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, ये 30 ग्राम का पैकेट है। वैसे तो हम घर के बेसिक मसालों से बिरयानी हर वक्त बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम घर के मसालों के साथ साथ शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे। तीन मीडियम आलू लेके इसके हमने 1/4 पीसेस कर लिए है। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। अब ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट इसमें ऑलरेडी हमने शान बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला, उसमें काफी सॉल्ट होता है, तो इसके लिए सॉल्ट आप चेक करके ऐड करना। मैं थोड़ा सी ऐड करने की जरूरत पड़ी है, मैं अब ऐड कर रही हूँ इसे। और इसमें 1/2 cup पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने मटन लिए थे मैरिनेशन के लिए तब पानी अच्छे से ड्रेन कर लिए थे मटन का हमने और मैरिनेट किए। अब सारा मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद हम सिर्फ 1/2 cup पानी डालेंगे इसके अंदर। अब पानी डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 teaspoon टेंडराइजर पाउडर भी ऐड करेंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो जाने के बाद सारे मटन पीसेस हमने सेंटर में ले लिए हैं, और आलू को बर्तन की साइड पर मैंने कर ली हूँ। ये इस तरीके से हमें आलू को साइड पे ले लेना है, और मटन पीसेस सारे बीच में रहेंगे। अभी इसे कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, हमने बिरयानी के बासमती राइस लिए हैं, 400 ग्राम है ये, इसे हम वॉश करके भिगा देंगे। इसे अच्छे से 3 बार वॉश कर लेना है, और 30 से 45 मिनट के लिए इसे भीगने देंगे हम। और जब बासमती राइस वॉश करते हैं तो बहुत ध्यान से संभाल के करना है, इसके ग्रेन्स टूटना नहीं चाहिए। मटन को मैरिनेट होके 45 मिनट्स हो गए। अब हम इसके अंदर ऑयल और घी है, ये 1 measuring cup मैंने ऑयल ले ली हूँ। ये वो ऑयल और घी का मिक्स है जिसमें हमने बिरिस्ता बनाए थे। अब ये पूरा हमें इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सी हमें बचाना है। जब राइस हम डालेंगे तो राइस के ऊपर से भी हमको थोड़ा ऑयल और घी ऐड करना होगा। जितना हमने चावल के लिए रख लिए है, 1 onion जितना बिरिस्ता हमने जो साइड पे रखे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। आठ से दस काजू के पीसेस हम इसमें डाल देंगे। वन फोर टीस्पून शाह जीरा, 2 slices पाइनएप्पल के लेके हमने 1/4 कर लिए है इसे भी। पाइनएप्पल के हमने सिर्फ 6 पीस डाले, अकॉर्डिंग टू बिरयानी क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें 6 पीस ऐड किए हैं। अब इसमें हम गरम कोयला डाल देंगे। इसमें कोयले के ऊपर थोड़ा सी घी डाल देंगे,
और इसे कवर करके 45 मिनट्स तक रहने देंगे। तो इसका कंप्लीट 1 आवर का, 1 घंटे का मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगा मटन का। चावल को भीग के 45 मिनट्स हो गई है, हम अब इसे पार बॉइल कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2.5 लीटर पानी ले ली हूँ, और जो यूजुअली हम रेगुलर डेज में जो नॉर्मल राइस बनाने के लिए जो नमक डालते हैं, जो क्वांटिटीज है उसकी डबल क्वांटिटी नमक इस वक्त हम डालेंगे। टेबलस्पून हमने सॉल्ट डाल दिए इसमें हम अक्खे गरम मसाले ऐड करेंगे, 3 तेज पत्ता, 3 स्टिक्स ऑफ दालचीनी, 4 लौंग, 4 काली मिर्च। इसमें बॉइल्ड आ गया है और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बस इसे स्टार्टिंग में एक ही बार स्टर करेंगे और इसे 50% बॉइल्ड होने देंगे। राइस 50% बॉइल्ड हो गए, हम चेक कर लेंगे। इस तरीके से अगर टूटते हैं और इसमें थोड़ी सी चार दाने जितना कच्चा लग रहा है तो दैट मीन्स वो 50% बॉइल्ड हुआ है। तो हमारा पहला लेयर जो रहेगा वो 50% बॉइल्ड राइस का रहेगा। अभी बाकी का जो सेकेंड लेयर, जो हम ऊपर जो लेयर लगाएंगे राइस का, उसे हम और थोड़ी देर पकने देंगे, 80-90% जितना वो गल जाना चाहिए। ये हमारा सेकेंड लेयर है जो अभी और कुक हो रहा है, इसे 80% तक हमें गलाना है। ये सेकेंड लेयर है जो 80% कुक हो गया है, हम अभी इसे पूरी तरीके से ड्रेन करके अब इसमें फॉर्म करेंगे। हमने बिरयानी इस मेथड से बनाए हैं। एक और एक इसका सेकंड मेथड भी है जिसके अंदर आपने जो मटन को मैरिनेट किए थे उसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे, पोटैटो उसमें से आलू निकाल लेंगे, मैरिनेशन में से आलू हटा देंगे, उसे प्रेशर कुक करने के बाद जब मटन अच्छे से गल जाएगा तब उसमें हम आलू डाल के आलू भी गला लेंगे और फिर उसकी लेयर बनाएंगे और उसके ऊपर चावल की लेयर, जो वो चावल की लेयर पूरी तरीके से 80% गली हुई होंगी, उसके अंदर 50% नहीं रहेगा, उसमें सारे चावल 80% गले हुए होंगे। उस तरीके से भी हम बिरयानी बना सकते हैं, बाकी का उसके मसाले जो है वो सेम रहेंगे, खाली कुकिंग का मेथड थोड़ा बदल जाएगा। और ये सेम मेथड जैसे हमने आज मटन में बनाए हैं, ये सेम मेथड आप चिकन में भी कर सकते हैं, चिकन बिरयानी के लिए भी यही मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताना है कि जब हमने मटन मैरिनेशन में बिरिस्ता डाले थे उसे हमने क्रश करके यूज किए थे, हमने जो बिरिस्ते का ऑयल और घी जो साइड पे हटा के रखे थे वो भी हम अब इसमें ऐड कर देंगे। वन टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालने से बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जिस पानी में हमने चावल बॉईल किए थे वो थोड़ा सी पानी लेके इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। हमने थोड़ा सी येलो फूड कलर लेके इसमें इसे दूध में मिक्स कर लिए है और ये थोड़ा सी इस पे पोर कर देंगे। अब हम इसके एजेस में घी या तेल लगा लेंगे। हमने मैदे का आटा लेके इसका डो बना लिए है, जो हमें यहाँ पे इसके एजेस पे लगाना है ताकि बिरयानी अच्छे से दम पे आ सके। देखिए हमने सारे बाउंड्रीज पे ये आटा लगा लिए है, अब हम इसे कवर कर लेंगे, अच्छे से दबाएंगे कवर करके और इसे एकदम स्लो फ्लेम पे 30 मिनट्स तक रहने देंगे। इसी तरीके से गेहूं के आटे से ज्यादा स्टिकीनेस मैदे के आटे में होती है, इसके लिए हमने मैदे का आटा यूज किया है। फिर इसे कवर करने के बाद हम आटे को इस तरीके से ऊपर लेके इसे सील कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल स्टीम बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमने कवर करने के बाद भी हम इसके ऊपर वजन रखेंगे, हमने इस पे वजन रख लिए है। अगर इसके अंदर से स्टीम बाहर आ जाती है तो गोश्त अच्छे से गलेगा नहीं अंदर,
तो हमें इस पे भी वजन रख के इसे स्लो फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए रखना है। स्लो फ्लेम पे अभी इसे 30 मिनट्स हो गई है। अभी हम इसे हटा के इस पे तवा रखेंगे और तवे पे हम 30-45 मिनट्स और स्लो फ्लेम पे रखेंगे। तवे पे रखकर भी हमें 30-45 मिनट्स हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। बिरयानी के लेयर्स पे लोग अक्सर पुदीने के पत्ते या चॉप्ड कोरिएंडर और बिरिस्ता ऐड करते हैं, लेकिन जब जाफर भाई दिल्ली दरबार से जो बल्क में बिरयानी आती है उसमें ये सब कुछ नहीं होता है। तो आज वही रेसिपी से इंस्पायर होकर मैंने ये बिरयानी बनाई हो। बिरयानी को अगर आपको चेक करना है कि ये ठीक तरह पक गई है तो आप पहले एजेस पे से थोड़ा सा राइस हटा देंगे और चेक करेंगे, अगर इसका पानी पूरा ड्राई हो गया है तो मतलब बिरयानी परफेक्ट पक चुकी है। बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है। आपको बिरयानी की एक बेस्ट टेक्निक बताती हूँ, इसे सर्व कैसा किया जाता है। ये खास तौर पे बिगनर्स के लिए है जिसे बिरयानी सर्व करना बहुत बर्डन लगता है। तो आप ये ऊपर के जो राइस है एक अलग से एक पॉट में निकाल लो, उसके बाद आप मसाला इजीली निकाल के सर्व कर सकते हैं। देखिए मटन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन हो मटन के गलने का तो बिल्कुल बेफिक्र होकर मटन पहले प्रेशर कुक कर लीजिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बात स्पेशली बिगनर्स के लिए है।